नवंबर 23 के एग्जाम्स हुए सीए इंटर और सीए फाइनल्स के, तो जब भी मैंने किसी स्टूडेंट को पूछा कि पेपर्स कैसे गए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने या तो बोला एवरेज गए, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्ट लगे। बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि पेपर्स इजी गए। तो मैंने क्या किया, अभी रिसेंटली आई वेंट थ्रू ऑल द पेपर्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, क्यों आखिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पेपर डिफिकल्ट लगे। एंड लेट मी टेल यू, पेपर्स वर एक्चुअली डिफिकल्ट। तो क्यों डिफिकल्ट थे, कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरे जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। बहुत ही क्रूशियल चीजें हैं, कुछ वार्निंग साइंस है आपके लिए फॉर द अपकमिंग May 24 एग्जामिनेशंस। बिकॉज काफी बार ना अपन सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं एंड देन एग्जाम में जाके तो भी पेपर डिफिकल्ट लगता है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट स्टडिंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज अबाउट डीप डाइविंग इन टू वॉट एक्चुअली गोज बिहाइंड सेटिंग दट ICAI पेपर, कि वट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ ICAI, सो दैट आप May 24 का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने से पहले समझ लो कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो बहुत ही क्रूशियल वार्निंग साइंस है आपके लिए। तो ये वीडियो ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंटर आपको नोट डाउन करके रखना है। एंड मुझे पता है अभी आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि मैम प्लीज प्लानर दे दो, 3 to 4 months का प्लानर दे दो। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो वो रहेगा जहां पे मैं आपको 3 to 4 months का स्टडी प्लान बताऊंगी, सो दैट आप May 24 एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाई शुरू कर दो। ऐसी बहुत सारे वीडियो चैनल पे लाइन अप है गाइस, तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना। सबसे पहली बात जो मैंने ऑब्जर्व की पेपर्स में, सी क्या होता था ना, आई थिंक लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर तक पेपर्स किस तरीके से सेट होते थे, जो प्योरली नॉलेज बेस्ड होते थे। आप खुद अग्री करोगे इस बात पे, इट वाज नॉलेज बेस्ड कि हाँ सवाल पूछा है, आपने कुछ प्रोविजन रिकलेक्ट कर लिया और उस हिसाब से लिख लिया। बट अभी रिसेंटली अगर आप पेपर्स देखोगे, इवन द प्रैक्टिकल पेपर्स में दे आर चेकिंग योर एनालिटिकल स्किल्स। यस, एनालिटिकल स्किल्स चेक हो रहे, प्योरली नॉलेज बेस्ड पेपर्स नहीं है। अभी एनालिटिकल स्किल्स मतलब क्या है, केस बेस्ड पेपर्स ज्यादा आ रहे हैं, केस बेस्ड पेपर्स ज्यादा आ रहे हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे पेपर्स ज्यादा आ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पेपर के बेसिस पे पेपर ज्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों की, कि वो लोग उन्होंने क्लासेस देख लिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिया और सोचा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हो जाएगा मैम 20 मार्क का आता है। यू नो वी हैव दिस परसेप्शन, मैम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का तो 20 मार्क का क्वेश्चन है, बट वी आर फॉरगेटिंग द फैक्ट कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्टैंड अलोन क्वेश्चन 20 मार्क्स के है, बट थ्रू आउट द पेपर देयर इज अ लिंकेज ऑफ ऑल ऑफ दीस थिंग्स। देयर इज अ लिंक टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देयर इज अ लिंक टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, देयर इज अ लिंक टू केस स्टडीज। सो प्रॉब्लम क्या हो रही है, वी आर फॉलोइंग दैट एज ओल्ड मेथड की कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें इस पे अपना ध्यान ही नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ाई करते टाइम इट शुड बी मल्टीफोल्ड, इट शुड बी कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, कि चलो इसमें से केस स्टडी किस हिसाब से आएगा, इसमें से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी मुझे प्रिपेयर करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मुझे प्रिपेयर करना है, तब कहा जाके यू विल बी एग्जाम रेडी। ठीक है, तो अभी से बोल रही हूं, इंस्टीट्यूट हैज लेवल्ड अप इट्स पेपर सेटिंग गेम, आपको भी पढ़ाई का गेम आपका लेवल अप करना पड़ेगा। नंबर टू थिंग इज MCQs। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है बच्चों का कि मैम MCQs समझ में ही नहीं आया, MCQs सर के ऊपर से चले गए। क्या हुआ हो रहा है, प्रॉब्लम यह है कि वी आर नॉट स्टडिंग MCQs। अपन पढ़े हैं वो 60-70 मार्क्स के पीछे, बच्चा वो जो 30 मार्क्स है वो तो अपन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड गेट्स मैनेज्ड, लेकिन अपन तो शेड्यूल ही नहीं कर रहे। जैसे कि अभी मैंने May 24 स्टूडेंट्स के लिए ब्रांड न्यू मेंटोरशिप प्रोग्राम बिगिन किया है, जहां पे मैं इसीलिए स्पेसिफिक टारगेट देती हूँ कि आपको कल कौन सा चैप्टर करना है, परसों कौन सा चैप्टर करना है, उसमें मैं ये भी बताती हूँ कि आपको MCQs कब करना है, RTP कब करना है, पेपर सॉल्व कब करना है, सो दैट आपको दिमाग में रहे एंड आप उस हिसाब से आगे बढ़ो। अभी ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ना गाइस, यहाँ पे मैं आपको पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड शेड्यूल देती हूँ, बिकॉज एवरी स्टूडेंट्स बैकग्राउंड इज डिफरेंट ना। आप हाउसवाइफ हो सकते हो, आप आर्टिकल हो सकते हो, आप वर्किंग हो सकते हो, या आपका कुछ और सिनेरियो हो सकता है, तो आपके हिसाब से मैं आपको पर्सनली कॉल करती हूँ, पर्सनली फोन पे आपको आपका कस्टमाइज शेड्यूल देती हूँ। एवरी सिंगल डे का मैं आपको टारगेट देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि कल कौन सा चैप्टर करना है, परसों कौन सा चैप्टर होना है, कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाता है, फिर आपसे फॉलो अप लिया जाता है, एंड देन अगले 8 से 10 दिन का आपको टारगेट दिया जाता है। तो इट इज वेरी कस्टमाइज्ड। चैट सपोर्ट ऑन है, आप मुझे पर्सनली आपके सवाल पूछ सकते हो, वॉइस नोट्स भेजती हूँ, मोटिवेशनल मैसेजेस, चैलेंजेस, सो दैट यू स्टे बूस्टेड टिल दैट डे ऑफ एग्जामिनेशन। स्टडी ट्रैकर है यहाँ पे, मेंटोरशिप किट है यहाँ पे, मेडिटेशन सेशंस, डाइट सेशंस, बहुत सारे योगा सेशंस वगैरह लिए जाते हैं, सो दैट आपका इंटरनल बॉडी भी आपके कंट्रोल में रहे। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी अलॉन्ग विद दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर्स। वीकली रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस। क्या होता है ना, अपन जब सीए की पढ़ाई करते रहते अपन अकेले होते हैं, देयर इज नोबडी जिससे अपन बात कर सके, देयर इज नोबडी जिससे अपन अपना प्लान डिस्कस कर सके, देयर इज नोबडी, बिकॉज काफी बार फ्रेंड्स आगे चले जाते हैं, सीनियर जूनियर्स हो जाते हैं, यू फील अलोन। तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मेक श्योर यू आर नॉट अलोन इनटू दिस जर्नी, आई होल्ड योर हैंड एंड गाइड यू टिल दैट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गाइस। बस क्या है ना, यहाँ पे मैं लिमिटेड सीट्स लेती हूँ, ऑलरेडी 60-70% सीट सोल्ड आउट है, बहुत ही कम एनरोलमेंट्स बचे, बिकॉज मैं पर्सनली स्टूडेंट से बात करती हूँ यहाँ पे, एंड इट्स अ रिकॉर्ड गाइस। अभी तक ICAI का जो पास परसेंटेज है, मेंटोरशिप प्रोग्राम के पास परसेंटेज ने ICAI के पास परसेंटेज को सरपास किया है हमेशा। तो बहुत बाद में स्टूडेंट्स आके मुझे बोलते
कि मैम मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना था बट देयर आर नो सीट्स अवेलेबल, तो दिस इज द राइट टाइम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूं, गो चेक इट आउट। तो क्या करना है गाइस, शेड्यूल एवरीथिंग, एवरीथिंग नीड्स टू बी शेड्यूल। जैसे कि इस बार तो अभी नए कोर्स के हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट में एमसीक्यूज है यार बेटा, अभी जैसे कि एफआर में भी एमसीक्यू आएंगे, अकाउंट्स में भी एमसीक्यू आएंगे, ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ थ्योरी और टैक्स के पेपर्स में एमसीक्यूज आएंगे। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू शेड्यूल इट, इट इज वेरी नेसेसरी टू सॉल्व इट, बिकॉज क्या देखा गया है एमसीक्यूज भी ना बहुत लेंदी आ रहे हैं, एक्सट्रीमली लेंदी एमसीक्यूज आर आस्क्ड। क्या हो रहा है, टैक्स लायबिलिटी तक चीजें पूछी गई है और आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कमांड होना चाहिए ना, द मोमेंट यू प्रैक्टिस इट मोर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन द एग्जामिनेशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज बहुत क्रूशियल है। अपन पढ़े हो 60-70 मार्क्स के पीछे बट ये 30% चीज पोर्शन को क्लियरली इग्नोर किया गया है, इसे देखा गया है, तो प्लीज इसके लिए भी ध्यान देना है। नंबर थ्री थिंग, एक चीज जो सब स्टूडेंट्स ने मुझे बोला, राइट, एवरी स्टूडेंट जस्ट सेड वन थिंग, मैम द पेपर्स वर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लेंदी। आप खुद इस बात पर अग्री करोगे, पेपर मैंने खुद ने देखे गाइस, एक्चुअली द पेपर्स वर लेंदी। तो पेपर तो लेंदी आ ही रहा है, अभी दैट इज अ फैक्ट। अभी उसके पीछे या तो रोते बैठे या तो उस हिसाब से आगे का प्लानिंग उस हिसाब से रखे कि मुझे मिनिमम 2-3 पेपर सॉल्व करना है, मुझे पढ़ाई करते टाइम भी यू नो आई नीड टू वर्क ऑन माई स्पीड फैक्टर। गाइस यहाँ पे भी एक कैच ऐसा है कि जस्ट यू नो पेपर्स आर नॉट लेंदी कि आपके पास सोल्यूशंस बड़े हैं, क्वेश्चंस की लेंथ भी इतनी बड़ी है। तो क्या हो रहा है, बच्चे का टाइम वो क्वेश्चन पढ़ने में भी इन्वेस्ट हो रहा है एंड आंसर देने में भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप समझ रहे हो, इट्स अ ड्यूअल गेम। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी स्पीड, आपकी रीडिंग की स्पीड भी इतनी बढ़ जाए एंड आपकी राइटिंग की स्पीड भी इतनी बढ़ जाए। इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग। बच्चे ने बोला कि मैम एक लॉ का जो पेपर था सीए इंटर का, 2-3 पेजेस के तो क्वेश्चन ही थे, वहां पर बच्चे को समझ में नहीं आया कि पूछा क्या गया है और केस क्या दिया गया है। तो यू नो वी गेट कंफ्यूज। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि अभी से ज्यादा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाई करूं एंड इसके साथ साथ गेट यूज टू दैट लेंथ कि इंस्टीट्यूट किस हिसाब से सवाल पूछता है एंड सॉल्यूशंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे गाइस। काफी बार क्या होता है, अपने को लगता है कि हाँ मैंने ये पढ़ाई कर ली, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया और हो गया, बट वी डोंट डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट, वी डोंट यू नो एक्चुअली गेट इनटू द रूट्स ऑफ इट। तो आजकल वो बचा नहीं है कि प्लेन क्वेश्चंस पूछे गए आपको, ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ पेपर्स इन द एग्जामिनेशन। तो बहुत ही यू नो इंपॉर्टेंट चीजें है ये कि आपको केस बेस्ड पढ़ाई करनी है। अभी जैसे कि एससीएमपी का पेपर है गाइस, एससीएमपी का सीए फाइनल का अभी तक का जो पेपर था, अभी तो चलो इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल, लेकिन यहां पे थ्योरी भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है, केस स्टडी बेस्ड भी पूछा जाता है। तो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द एंगल्स। अभी एसएफएम जैसा पेपर है, थ्योरी इज इग्नोर्ड, इट इज क्लियरली सीन कि 15-20 मार्क्स की थ्योरी आ रही है, बच्चा थ्योरी नहीं कर रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थ्योरी भी करो, केस स्टडी भी करो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करो, इसीलिए बोल रही हूं एमसीक्यूज भी करो। तो इतनी सारी चीजें करनी, इट इज नॉट सिंपल कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसीलिए अभी से पढ़ाई करना शुरू करो गाइस, दीज आर सीरियसली द वार्निंग साइंस। सिर्फ पढ़ाई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप एग्जाम रेडी नहीं होने वाले हो। बाद में आरटीपी करना है, पेपर करना है, 1.5 डे का प्लान करना है, दिस इज द टाइम टू गेट स्टार्टेड फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज नया कोर्स है, यू नेवर नो, बाद में जाके यू विल गेट चिल्स कि क्या होगा कैसे होगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं, तो अभी से पढ़ाई करना शुरू करो, ठीक है। सो या प्लानर जल्दी आएगा, 3-4 मंथ्स का प्लानर, स्टडी प्लानर, प्रॉपर 4 मंथ्स का प्लानर मैं जल्द चैनल पे डालने वाली हूं, सब्सक्राइब करके रखना एंड आई विल सी यू सुपर सून। बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट।